हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग को फेसबुक मैसेंजर की बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि भाई कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हम अपने फेसबुक मैसेंजर के बैकग्राउंड पर अपनी फोटो लगा सकें। तो आज यही ट्रिक मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। खूब सर्च करने के बाद मुझे एक ट्रिक हासिल हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मैसेंजर का बैकग्राउंड चेंज करना, उस पर अपनी फोटो लगाना, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिएगा और हमारे ऐसी ही और रोमांचक वीडियो हर दिन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कौन सी है ये ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने फेसबुक मैसेंजर पे इस तरीके की फोटो लगा सकते हैं, अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस घंटे को भी दबा दो, ठीक है। दोस्तों, अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा दो टाइप के मैसेंजर होते हैं। एक तो होता है ऑफिशियल मैसेंजर जो काफ़ी ज़्यादा MB का होता है और हमारी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज ले लेता है। दूसरा मैसेंजर होता है लाइट मैसेंजर जो काफ़ी कम MB का होता है और काफ़ी कम इंटरनेट में वो यूज़ हो जाता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे लाइट मैसेंजर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, सेम सिंपल रहता है। आपको मैं सभी चीज़ दिखा देता हूँ, लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको वो सेटिंग नहीं मिलती है कि किस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो वो आपको कैसे मिलेगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस लिंक की मैं आज बात करने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ। तो उस लिंक से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी। और आप देख सकते हैं ये मैसेंजर भी कुछ इसी तरीके का होता है जहाँ पर आपके बैकग्राउंड पर फ़ोटो लगी होती है। और ये पूरा का पूरा उसी टाइप का मैसेंजर होता है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा अपनी फेसबुक आईडी से, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपकी काम करने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चैट्स वगैरह आ रही हैं। जैसे हम किसी चैट पर क्लिक करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का पूरा इंटरफेस है जैसा कि हमारा नॉर्मल फेसबुक मैसेंजर में होता है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप इसकी फ़ोटो को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं आप लोग को पूरा एक लुक दे देता हूँ इस मैसेंजर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप कुछ देख सकते हैं, जब आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे, इस एप्लीकेशन में कोई भी ऐसा घाटा नहीं है जिससे आपके फ़ोन या आपके डिवाइस को कोई भी हार्म हो। तो बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हो। फ़ोटो को सेट करने के लिए सिंपल चीज़ है, ये जो एप्लीकेशन है ये एक ट्रांसपेरेंट मैसेंजर है, मतलब कि आर पार दिखता है। जो भी आपकी फ़ोटो वॉलपेपर पे लगी होती है वही चीज़ आपकी मैसेंजर पे दिख जाती है, जैसा कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो कोई भी अगर आप वॉलपेपर लगाओगे तो वही सेम चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंट का बैकग्राउंड, जो वो मैसेंजर का बैकग्राउंड है, वो शो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वॉलपेपर है वही हमारे मैसेंजर का बैकग्राउंड बन चुका है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके से आप अपने होम स्क्रीन पर जो भी वॉलपेपर लगाओगे वो आपका फेसबुक मैसेंजर का बैकग्राउंड बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।